फोर्थ four. में क्या है कंप्लीट है डिवाइडेड so नहीं है नहीं वन बाय वन यानी कि वन देन टोटल कितने यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अगेन थ्री थ्री सिक्स सेवन एट पार्ट है, है. उसमें से कलर्ड कितने हैं सिक्स तो हम लिखेंगे सिक्स बाय एट नेक्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव टोटल फाइव हैं उसमें से थ्री कलर्ड हैं वील राइट थ्री बाय फाइव फ्रैक्शन आर द पार्ट ऑफ होल किसी भी पूरी चीज के कितने इक्वल पार्ट किए गए हैं वो क्या कहलाता है फ्रैक्शन अ होल मे बी अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट द गिवन फैक्टर्स बाय कलरिंग द करेक्ट नंबर ऑफ पार्ट यहाँ पे क्या दिया गया है स्क्वेयर्स हैं एक बिग स्क्वायर है वो फोर स्मॉल स्क्वेयर्स में डिवाइडेड है वन बाय फोर वन बाय फोर मीन्स टोटल फोर का जो वन पार्ट है दैट इज कलर तो हम वन पार्ट को कलर कर देंगे ये वन बाय फोर को रिप्रेजेंट करेगा नेक्स्ट थ्री बाय एट टोटल एट पार्ट है उसमें से थ्री कलर्ड है तो हम थ्री पार्ट कलर कर देंगे वन टू एंड थ्री टू बाय फाइव टोटल फाइव में से टू पार्ट कलर्ड हैं तो यू कैन कलर एनी टू पार्ट थ्री बाय फोर तो थ्री कप हैं वो कलर कर देंगे हम टू थ्री डैट रिप्रेजेंट थ्री बाय फोर फोर बाय फाइव फोर बलून्स को कलर कर देंगे हम 3 and 4. 6 by 7 that means 6 apples are colored. 2, 3, 4, 5, and 6. Next, fill in the blank and color. Hamikya 1 by 3 of 12 is what is 1 by 3 of 12? That is 1 by थ्री मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व थ्री फोरजा ट्वेल्व वन बाई थ्री ऑफ ट्वेल्व इज फोर वन थर्ड पार्ट ग्रीन वन थर्ड क्या करना है ग्रीन टोटल ट्वेल्व पार्ट हैं वन थर्ड करना है हमें मतलब फोर पार्ट ग्रीन करने हैं. वन टू थ्री एंड फोर वन बाय फोर ऑफ़ डैश इज़ डैश वन बाय फोर ऑफ़ आई यू कैन टेक कितने पार्ट हैं वन स्टार्ट फ्राम यन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टवेल्व वन बाय फोर ऑफ़ ट्वेल्व इज़ थ्री तो हम रेड करेंगे वन फोर पार्ट मीन्स थ्री पार्ट जो है रेड करने हमें वन टू एंड थ्री तो इस तरीके से हमें इनको कलर करना है जो गिवन पार्ट है उसको कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे कलर करना है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस फ्रैक्शन आर इक्वल पार्ट ऑफ अ शेप और कलेक्शन हेयर हाफ ऑफ द शेप इज शेडेड यहाँ पे आपको एक शेप दिया गया है इसका हाफ पार्ट यानी वन बाय टू पार्ट क्या है शेडेड है सो वन बाय टू पार्ट रेफर टू जिसकी बात कर रहे हैं कि कितना पार्ट कलर्ड है हाफ पार्ट है यानी एक पार्ट दो में से एक पार्ट है तो वन लिख दिया टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कितने टू वन एंड टू सो जो पार्ट ऊपर लिखा जाता है वो क्या कहलाता है न्यूमरेटर एंड जो नीचे होता है वो होता है डिनोमिनेटर वन बाई टू है इसमें वन हो गया न्यूमरेटर एंड टू क्या हो गया डिनोमिनेटर हाफ इज वन बाई टू हाफ को रिप्रेजेंट करते हैं वन बाई टू से वन होल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट एक पूरी चीज को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो क्या कहेंगे वन बाय टू टू हाफ मेक अ होल दो हाफ को मिला के क्या बनता है एक होल पार्ट वन बाय टू प्लस वन बाय टू दैट इज वन एक होल बन गया देन क्वार्टर क्वार्टर इज वन फोर्थ क्वार्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वन बाय फोर से वन होल इज डिवाइडेड इंटू फोर इक्वल पार्ट फोर वन फोर्थ मेक अ होल वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर फोर टाइम तो क्या बन जाएगा एक होल यानी वन वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर क्या होता है टू बाय फोर दैट इज वन बाय टू टू वन ज टू एंड टू टू ज फोर वन बाय टू थ्री जो बनाएंगे तो बनेगा थ्री बाय फोर नेक्स्ट इज वन थर्ड वन थर्ड करेंगे हेयर वन होल इज डिवाइड इन टू थ्री इक्वल पार्ट यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं एक पूरा है उसको क्या किया है थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है एंड एक पार्ट जो है वो क्या है कलर सो दैट रिप्रेजेंट वन बाय थ्री यहाँ पे क्या है एक पूरा होल है सर्कल उसको थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है एंड टू पार्ट्स आर कलर्ड

वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स हो गए वॉट इज द फ्रैक्शन फॉर ईच पार्ट ऑफ द होल शेप ईच पार्ट का कितना होगा वन बाय सिक्स वॉट इज द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट कितने शेडेड पार्ट है थ्री वन टू थ्री तो थ्री बाय सिक्स हो जाएगा हाउ मैनी वन सिक्स मेक अ होल शेप कितने वन सिक्स बनाएंगे वन सिक्स वन सिक्स टोटल सिक्स तो इस तरीके से हमें फ्रैक्शंस लिखने हैं चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा वी मूव मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन और नंबर्स एग्जाम्पल के है रीता हैज एट पेंसिल शी गेव हाफ ऑफ देम। दैम एट है उसका हाफ टू हर फ्रेंड हाउ मैनी पेंसिल डेट शी गेव टू हर फ्रेंड रीटा के पास कितनी थी टोटल एट पेंसिल्स थी उसका हाफ यानी कि फोर पेंसिल किसको दे दी अपने फ्रेंड को यानी कि एट बाई टू दैट इज फोर हाफ ऑफ एट मीन्स एट डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट वन हाफ इज गिवन अवे वन बाय टू ऑफ एट दैट इज एट डिवाइडेड बाई टू दैट इज फोर फोर इंटू वन फोर सो रीटा गेव फोर पेंसिल्स टू हर फ्रेंड डिवाइड द नंबर बाय द डिनोमिनेटर देन मल्टीप्लाई द क्वेश्चन बाय द न्यूमरेटर हमने क्या किया यहाँ पे एट को टू से डिवाइड किया तो फोर आ गया और न्यूमरेटर क्या था वन वन से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया फोर इस तरीके से रीटा ने एट पेंसिल को टू हाफ में डिवाइड किया चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज डिवाइड ईच स्क्वायर इंटू इक्वल पार्ट कलर टू शो द फ्रैक्शन यहां पे फ्रैक्शन क्या है वन बाय थ्री दैट मींस हमें थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है वन टू एंड थ्री एंड वन पार्ट इज शेडेड तो एक पार्ट को हम कलर कर देंगे नेक्स्ट इज थ्री बाय फोर मीन्स इट इज डिवाइडेड इंटू फोर इक्वल पार्ट वन टू थ्री एंड फोर एंड थ्री पार्ट आर शेडेड सो वन टू एंड थ्री तो इस तरीके से आपको ये सारे फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना है हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं व्हाट इज वन बाय फोर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी का वन बाय फोर पॉइंट करना है मींस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फोर डिनोमिनेटर क्या है फोर तो ट्वेंटी को फोर से डिवाइड करेंगे दैट इज फाइव एंड फाइव को किस अल्टीप्लाई करेंगे वन से जो न्यूमरेटर है

वन बाई टू ऑफ फोर फाइन करना है दैट मीन्स यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है टू तो फोर को हम टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा टू फोर डिवाइडेड बाई टू दैट इज टू एंड टू को मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो क्या आ जाएगा टू तो हमारा आंसर हो जाएगा टू नेक्स्ट इज वन बाय फोर ऑफ ट्वेंटी एट तो हम क्या करेंगे ट्वेंटी एट को करेंगे फोर से डिवाइड दैट गिव्स सेवन और सेवन को करेंगे वन से मल्टीप्लाई सेवन इंटू वन दैट इज सेवन तो हमारा क्या आ जाएगा सेवन तो इस तरीके से हमें फ्रैक्शन निकालने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हम next example हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं व्हाट इज टू बाय थ्री ऑफ अ डजन डजन मींस ट्वेल्व सो टू बाय थ्री ऑफ ट्वेल्व वन डजन इक्वल टू ट्वेल्व सो ट्वेल्व डिवाइडेड बाय थ्री दैट गिव्स फोर और न्यूमरेटर क्या है हमारा टू तो हम फोर को करेंगे टू से मल्टीप्लाई फोर इंटू टू दैट इज एट तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते एग्जाम्पल टू लेते हैं वॉट इज फाइव बाय सिक्स ऑफ अ डजन हमें फाइव बाय सिक्स फाइंड करना है डजन यानी ट्वेल्व का सो वन डजन इक्वल्स टू ट्वेल्व ट्वेल्व को किससे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर दैट इज सिक्स तो आ जाएगा टू एंड न्यूमरेटर इज फाइव तो टू को फाइव से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया टेन सो फाइव बाई सिक्स ऑफ अ डजन इज इक्वल टू टेन नेक्स्ट इज वॉट इज वन बाय थ्री ऑफ एन आर वन आवर दैट इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स सो वन बाय थ्री ऑफ एन आवर इज ट्वेंटी मिनट्स नेक्स्ट अंकुश माई मदर से शी वुड स्लीप फॉर थ्री बाई एट ऑफ अ डे तो कितना सोती है थ्री बाई एट ऑफ अ डे क्या हो जाएगा वन डे में कितने होते ट्वेंटी फोर आवर्स सो थ्री बाई एट ऑफ ट्वेंटी फोर क्या हो जाएगा सबसे पहले करेंगे ट्वेंटी फोर को एट से डिवाइड दैट इज थ्री थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज नाइन तो कितने हो जाएंगे नाइन आवर्स नेक्स्ट मंजीत माय मदर से शी शुड स्लीप ऑफ ऑफ अ अ डे डे स्लीपेडी फोर को हम क्या करेंगे थ्री से डिवाइड दैट गिव्स एट आवर्स मदर से दैट वी शुड स्लीप मोर किसकी मदर कहती है ऑब्वियसली अंकुश की नेक्स्ट एग्जाम्पल देर आर थर्टी स्टूडेंट इन अ क्लास ऑन मंडे नाइन बाई टेन ऑफ द क्लास वर प्रेजेंट हाउ मैनी स्टूडेंट वर प्रेजेंट टोटल कितने स्टूडेंट है थर्टी एंड मंडे को कितने प्रेजेंट थे थर्टी का नाइन बाई टेन तो हम नाइन बाई टेन ऑफ थर्टी फाइंड करेंगे नाइन बाई टेन ऑफ थर्टी तो थर्टी डिवाइडेड बाई टेन इक्वल टू थ्री सो थ्री पॉइंट टू नाइन दैट इज ट्वेंटी सेवन सो नाइन बाई टेन ऑफ थर्टी इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन सो ट्वेंटी सेवन स्टूडेंट वर प्रेजेंट ऑन मंडे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करना है हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं दैट इज इक्वल फ्रैक्शन इक्वल फ्रैक्शन क्या होता है यहां पे आप देखिए एक पिक्चर दी गई है ये क्या है एक रेक्टेंगल टू इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है वन पार्ट शेडेड है सो हमने क्या लिखा फ्रैक्शन वन बाई टू नेक्स्ट यहाँ पे फोर इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है एंड टू पार्ट आर शेडेड सो फ्रैक्शन इज टू बाय फोर टू बाय फोर दैट इज इक्वल टू वन बाय टू नेक्स्ट यहाँ पे क्या है सिक्स इक्वल पार्ट में डिवाइडेड एंड थ्री पार्ट आर शेडेड सो विल राइट थ्री बाय सिक्स थ्री बाय सिक्स क्या हो जाएगा थ्री वनजा थ्री थ्री टू ज़ा सिक्स यहाँ पे क्या है एट पार्ट एंड फोर आर शेडेड सो फोर बाय एट फोर बाय एट को लिख सकते हैं हम फोर बाय एट फोर वन ज़ा फोर फोर टू जट सो वन बाय टू टू बाय फोर थ्री बाय सिक्स एंड फोर बाय एट द शेड पोर्शन शो द सेम पार्ट ऑफ द होल साइड दीज आर इक्वल और इक्वल फ्रैक्शन ये क्या कहलाएंगे इक्वल्ट फ्रैक्शंस क्योंकि आपने देखा थ्री बाय सिक्स लिखो चाहे टू बाय फोर फोर बाय एट सब क्या करेंगे अगर हम इसको डिड्यूस करेंगे स्मॉल फॉर्म में तो क्या आएगा वन बाई टू सो दीज आर इक्वल फ्रैक्शन टू टाइम्स द टोटल पार्ट्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है टोटल थ्री पार्ट में डिवाइडेड है टू पार्ट सेडेड तो हम क्या लिखेंगे टू बाय थ्री यहाँ पर क्या है टोटल सिक्स पार्ट एंड फोर पार्ट आर सेडेड तो फोर बाय सिक्स अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे टू टू ज़ा फोर टू थ्री ज़ा सिक्स सेम टू गेट इक्वल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर इक्वल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं लाइक टू बाय थ्री को अगर ऊपर और नीचे दोनों टू टू से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया फोर बाय सिक्स अब अगर हम फोर बाय सिक्स को ऊपर और नीचे सेम नंबर से करें थ्री से कर दें तो क्या आ जाएगा ट्वेल्व एंड ट्वेल्व बाय एटीन तो ये भी क्या हो जाएगा इक्वल फ्रैक्शन हो जाएगा तो इस तरीके से हम इक्वल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज थिंक एंड फिल द न्यूमरेटर हमें न्यूमरेटर फिल करना है वन बाय टू इज इक्वल टू फाइव बाय टेन ये आपको गिवन है यहाँ पे आप देखिए टू को किससे मल्टीप्लाई किया टेन कि आ गया फाइव से तो हम क्या करेंगे इक्वल फ्रैक्शन है ऊपर भी फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे वन को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा फाइव जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे क्या है वन बाय टू इज इक्वल टू डैश बाय एट हमें गिवन नहीं है न्यूमरेटर तो हमने टू को किससे मल्टीप्लाई किया फोर से तो एट आया तो ऊपर भी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इन फोर दैट इज फोर सो वन बाय थ्री दैट इज इक्वल टू डैश बाय ट्वेल्व तो हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है ट्वेल्व थ्री को फोर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया ट्वेल्व तो हम न्यूमरेटर को भी फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा फोर तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं नेक्स्ट इज सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट टर्म रेड्यूशन फ्रैक्शन टू दियर सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट टर्म यहाँ पे क्या गिवन है हमें ये क्या है टू बाय फोर फोर इक्वल पार्ट है एंड टू पार्ट शेडेड और यहाँ पे क्या है टू बाय टू दैट इज़ वन तो क्या हो जाएगा टू बाय फोर डिवाइडेड बाई टू बाई टू क्या आ जाएगा टू को टू से डिवाइड किया वन आ गया फोर को टू से किया तो वन बाय टू यहाँ पे क्या है सिक्स बाय नाइन डिवाइड करना है थ्री बाय थ्री से तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को करेंगे सिक्स को थ्री से करेंगे तो टू आ जाएगा नाइन को थ्री से करेंगे तो थ्री आ जाएगा तो टू बाय थ्री आ जाएगा वन बाय टू एंड टू बाय थ्री आर फ्रैक्शन इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म वेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन द फ्रैक्शन इज सेट टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म अगर जैसे हमने टू बाय थ्री लिखा है तो टू बाय थ्री में अगर आप देखेंगे तो टू और थ्री में वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो क्या हो जाएगी उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नेक्स्ट डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर टू गेट द फ्रैक्शन इन इट सिंपलेट फॉर्म और लोएस टर्म हमने क्या किया एट बाई ट्वेल्व को डिवाइड किया है फोर ऊपर में फोर से और नीचे में फोर से क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है एट और ट्वेल्व का कॉमन फैक्टर क्या है ट्वेल्व उससे डिवाइड किया तो क्या आ गया टू बाय थ्री एट को फोर से करेंगे तो टू आ जाएगा ट्वेल्व को फोर से करेंगे तो थ्री नेक्स्ट एट बाय ट्वेल्व को टू बाय टू दोनों न्यूमरेटर को भी टू से डिनोमिनेटर को भी टू से तो क्या आ गया फोर बाय सिक्स देन फोर बाय सिक्स को अगेन टू बाई टू से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा टू बाय थ्री कंटिन्यू डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर्स टिल द फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म तब तक करते रहेंगे जब तक फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में नहीं आ जाए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन इन दियर सिंपलेस्ट फॉर्म लाइक फाइव बाई टेन है सो फैक्टर ऑफ फाइव क्या हो जाएंगे वन एंड फाइव एंड टेन के क्या हो जाएंगे वन टू फाइव एंड टेन हमने देखा कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है फाइव एंड वन फाइव बाय टेन इसको हमें करना है कॉमन फैक्टर हमने देखे कि वन एंड फाइव है फाइव बाई टेन इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म एज फाइव इज द कॉमन फैक्टर अब हम क्या करेंगे अगर इसको ऊपर नीचे दोनों फाइव से डिवाइड कर दें फाइव बाय टेन क्या हो जाएगा टू से डिवाइड कर दें या सॉरी फाइव से डिवाइड कर दें तो फाइव वन सा फाइव फाइव टू सान तो वन बाय टू आ जाएगा नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ सिक्स के क्या क्या फैक्टर है वन टू थ्री एंड सिक्स फैक्टर ऑफ एट वन टू फोर एंड एट कॉमन फैक्टर क्या है वन एंड टू सो सिक्स बाय एट इज नॉट इड इन सिंपलेस्ट फॉर्म एज टू इज़ कॉमन फैक्टर उसमें क्या होता है कॉमन अगर सिम्पलेस फॉर्म में होता है तो उसमें वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ फिफ्टीन क्या है वन थ्री फाइव एंड फिफ्टीन फैक्टर ऑफ सिक्सटीन क्या है वन टू फोर एट एंड सिक्सटीन तो कॉमन फैक्टर क्या है वन दैट मीन्स इट इज़ इन लोएसट फॉर्म और सिम्पलेस्ट फॉर्म सो फिफ्टीन बाई सिक्सटीन

बाई थ्री से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री थ्री इज आर नाइन एंड थ्री फोर इज ट्वेल्व तो थ्री बाय फोर ये क्या हो जाएगी इसकी सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म तो इस तरीके से हमें इंफ्रेक्शन को लोएस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है या चेंज करना है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म फर्स्ट सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फोर को हमें रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में तो सबसे पहले हमने क्या किया टू से डिवाइड किया ऊपर और नीचे न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को तो क्या आ गया एट बाय ट्वेल्व देन अगेन हमने इसको टू से डिवाइड किया टू बाई टू से फोर बाय सिक्स आ गया फिर किया क्योंकि अभी भी क्या होगा ये डिवाइड होगा टू से तो क्या आ जाएगा एंड में टू बाय थ्री तो टू बाय थ्री क्या हो जाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नेक्स्ट नाइन बाय थर्टी सिक्स नाइन बाई थर्टी सिक्स को करना है तो हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे ऊपर और नीचे थ्री से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया थ्री बाई ट्वेल्व स्टिल इसमें एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो आते हैं तो हम क्या करेंगे अगेन थ्री बाय थ्री से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा वन बाय फोर सो वन बाय फोर क्या हो जाएगी इसकी लोएस्ट फॉर्म तो इस तरीके से हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर एंड फाइंड एकवल इन फ्रैक्शन हमें क्या करना है कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना और इक्वल फ्रैक्शन फाइंड करना है टू बाय फोर है तो क्या है यहाँ पे यहाँ पे देखिए फोर और यहाँ पे यहाँ पे क्या था डिनोमिनेटर में फोर था और उसके सामने क्या है डिनोमिनेटर में टू दैट मीन्स फोर को किससे डिवाइड किया टू आया टू से तो हम क्या करेंगे ऊपर भी टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा वन बाय टू यहाँ पे क्या है टू बाय टेन दैट इज इक्वल टू ऊपर आपको गिवन नहीं है नीचे क्या आया है डिनोमिनेटर में फाइव दैट मीन्स टेन को हमने टू से डिवाइड किया तो फाइव आया तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को भी टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा वन एक और एग्जाम्पल लेते हैं टेन बाय फिफ़्टीन दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में थ्री मीन्स फिफ्टीन को हमने किससे डिवाइड किया फ़ाइव से तो थ्री आया है तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को भी फाइव से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा टू बाय तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं नेक्स्ट टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन यहां पे क्या गिवन है देखिए ये क्या है 1 by 4. ये क्या फ्रैक्शन है टू बाय फोर ये थ्री बाय फोर है एंड ये फोर बाय फोर है दीज आर लाइक फ्रैक्शन एज दे द सेम डिनोमिनेटर देखिए सब में डिनोमेटर फोर है इसमें भी फोर है इसमें भी फोर इसमें भी फोर इसमें भी फोर अगर सबका डिनोमिनेटर सेम है तो वो क्या कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर, अनलाइक फ्रैक्शन डिफरेंट डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे अनलाइक फ्रैक्शंस ऑर्डरिंग एंड कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है टू बाई थ्री वन बाय थ्री एंड वन बाय फोर क्या करेंगे हमें इसको कंपेयर करना है तो हम देखेंगे नंबर लाइन में सबसे पहले जीरो बाय फोर गिव्स जीरो देन वन बाय फोर टू बाय फोर थ्री बाय फोर फोर बाय फोर दैट इज़ होल यानी वन हमने क्या किया है वन को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है देन फाइव बाय फोर सिक्स बाय फोर सेवन बाय फोर एट बाय फोर नाइन बाय फोर टेन बाय फोर तो इस तरीके से हम देखेंगे अगर हम नंबर लाइन में राइट right की तरफ मूव कर रहे हैं तो नंबर गेट ग्रेटर ग्रेटर होते जा रहे हैं अगर हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो क्या होते जाएंगे स्मॉलर नंबर गेट स्मॉलर नेक्स्ट कंपेयर द न्यूमरेटर द ग्रेटर द न्यूमरेटर द बिगर द फ्रैक्शन कंपेयर द फ्रैक्शन हमें कंपेयर करना है थ्री बाय फोर एंड वन बाय फोर तो दोनों में डिनोमिनेटर क्या है फोर सेम है तो कंपेयर किसको करेंगे न्यूमरेटर को तो थ्री और वन न्यूमरेटर है कौन सा ग्रेटर है थ्री थ्री इज ग्रेटर देन वन तो थ्री बाय फोर इज ग्रेटर देन वन बाय फोर यहाँ पर हमें कंपेयर करना है फाइव बाय सेवन और एट बाय सेवन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है सेवन तो क्या करेंगे न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा तो किसका हो जाएगा एट बाय सेवन इज ग्रेटर देन फाइव बाय सेवन सो फर्स्ट वाले में हो जाएगा थ्री बाय फोर इज ग्रेटर देन वन बाय फोर सेकंड में हो जाएगा फाइव बाय सेवन इज स्मॉलर देन एट बाय सेवन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं मार्क द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन फर्स्ट है टू बाय सेवन फाइव बाय सेवन सेवन बाय सेवन थ्री बाय सेवन एंड वन बाय सेवन तो ये क्या हो जाएगा वन बाय सेवन हो गया ये मार्क कर रखा है टू बाय सेवन थ्री बाय सेवन ये क्या हो जाएगा फोर बाय सेवन हो जाएगा फाइव बाय सेवन सिक्स बाय सेवन सेवन बाय सेवन यानी कि होल हो जाएगा तो टू बाय सेवन आ गया हमारा फाइव बाय सेवन आ गया सेवन बाय सेवन ये हो जाएगा देन हमें क्या करना है वन बाय सेवन के बना थ्री बाय सेवन तो इस तरीके से इसको मार्क करना है एग्जाम्पल थ्री लेते हैं अरेंज द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े नंबर की तरफ तो हमें क्या करना है फाइव बाई एट टू बाई एट सिक्स बाई एट एंड थ्री बाई एट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है हम देख रहे हैं सबका डिनोमिनेटर सेम है एट तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो सबसे बड़ा होगा तो सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे तो सबसे छोटा कौन सा है टू देन थ्री देन फाइव एंड देन सिक्स सो so, सबसे छोटा हो जाएगा टू बाई एट फिर थ्री बाई एट फिर फाइव बाई एट और सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा सिक्स बाई एट द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर आर टू बाई एट थ्री बाई एट फाइव बाई एट एंड सिक्स बाई एट नेक्स्ट एग्जाम्पल अरेंज द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में बड़े से स्टार्ट करना है छोटे की तरफ जाना है तो टू बाई सिक्स फाइव बाई सिक्स वन बाय सिक्स एंड सिक्स बाय सिक्स तो सबके जो डिनोमिनेटर सेम है दे आर लाइक फ्रैक्शंस हम क्या कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर तो ग्रेटेस्ट स्टार्ट करेंगे सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा न्यूमरेटर सिक्स देन फाइव देन टू एंड देन वन तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्स बाय सिक्स फिर हो जाएगा फाइव बाय सिक्स फिर टू बाय सिक्स फिर वन बाय सिक्स सो द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर आई सिक्स बाय सिक्स फाइव बाय सिक्स टू बाय सिक्स एंड वन बाय सिक्स तो आगे समझ में किस तरह से फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग एंड कंपेरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर यहाँ पे आपको क्या गिवन है फ्रैक्शन वन बाय टू वन बाय थ्री वन बाय फोर वन बाय फाइव वन बाय सिक्स वन बाय एट अब देख रहे हैं सबका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है बट न्यूमरेटर क्या है सेम वेन न्यूमरेटर इज सेम द ग्रेटर द डिनोमिनेटर द स्मॉलर द फ्रैक्शन अगर सभी नंबर का जो न्यूमरेटर है वो सेम है तो जो हम डिनोमिनेटर को देखेंगे जितना डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा होगा एग्जाम्पल लेते हैं अरेंज द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम में स्मॉलर टू ग्रेटर तो यहाँ पे क्या है टू बाय थ्री टू बाय सेवन टू बाय फाइव एंड टू बाय फोर हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम क्या देखेंगे सबसे पहले को लिखेंगे सबसे बड़े से सबसे बड़ा कौन सा है सेवन फिर फाइव फिर फोर फिर थ्री तो क्या हो जाएगा टू बाय सब सेवन सबसे छोटा हो जाएगा फिर टू बाय फाइव फिर टू बाय फोर फिर टू बाय थ्री द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर आर टू बाय सेवन टू बाय फाइव टू बाय फोर एंड टू बाय थ्री टेस्टिंग द इक्वलेंट बाय क्रॉस मल्टीप्लाई अब क्रॉस मल्टीप्लाई से हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे कंपेयर कर सकते हैं वो देखते हैं कंपेयर द फ्रैक्शन थ्री बाय सेवन एंड टू बाय फाइव हमें कंपेयर करना है कि थ्री बाय सेवन एंड टू बाय फाइव में से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा छोटा है तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थ्री बाय सेवन एंड टू बाय फाइव को क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से तो क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे न्यूमरेटर से तो ये क्या हो जाएगा फिफ्टीन एंड सेवन टू 14 तो कौन सा ग्रेटर हो जाएगा थ्री बाय सेवन इज ग्रेटर देन टू बाय फाइव अंडरस्टैंड एक और एग्जाम्पल समझते हैं कंपेयर द फ्रैक्शन फाइव बाई नाइन एंड सिक्स बाई टेन अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो फाइव इंटू टेन कितना हो जाएगा फिफ्टी एंड नाइन सिक्स ज फिफ्टी फोर तो ये जो फ्रैक्शन है सिक्स बाय टेन वो क्या हो जाएगा ग्रेटर बिकॉज फिफ्टी फोर इज ग्रेटर देन फिफ्टी अंडरस्टैंड चलिए आगे करते हैं कंपेयर द फ्रैक्शन पुट ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल का साइन लगाना है हमें कंपेयर करना है फोर बाय सेवन एंड फोर बाय फाइव हम देख रहे हैं न्यूमरेटर सेम है दोनों में डिनोमिनेटर क्या अलग अलग तो कंपेयर करेंगे जिसका भी डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो क्या होगा छोटा होगा तो हम ये साइन लगा देंगे नेक्स्ट है थ्री बाय एट एंड थ्री बाय फोर अगेन न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो क्या होगा छोटा होगा तो सो so, इस तरीके से हमें इनको कंपेयर करना है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग मीन घटते क्रम में बड़े से स्टार्ट करना है छोटे पे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं थ्री बाई एट थ्री बाय फाइव थ्री बाई टू एंड थ्री बाय सिक्स तो सब में न्यूमरेटर क्या है सेम है थ्री है अब हम डिनोमिनेटर देखेंगे जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो क्या होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा तो हमें किस में करना है डिसेंडिंग यानी घटते क्रम में. तो सबसे पहले सबसे बड़ा देखना है सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा यानी थ्री बाय टू उसके बाद क्या हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा थ्री बाई फाइव दैन थ्री बाय सिक्स दैन थ्री बाय एट तो इस तरीके से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे, पे मूव करते हैं दैट इज प्रॉपर एंड इम प्रॉपर फ्रैक्शंस यहाँ पे आपको क्या दिया गया है एक पिक्चर दी गई है उसमें फाइव लिखा हुआ है यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिया गया वन बाय टू यहाँ पे टू बाय थ्री नेक्स्ट है फ्रैक्शन विच आर लेस देन वन होल आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन जो वन से कम होंगे बिकॉज हम क्या करें होल को डिवाइड करें इक्वल पार्ट में इन द प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर वन आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन लाइक वन बाई टू है वन बाई थ्री है इसमें क्या है न्यूमरेटर क्या है वन तो ये क्या हो जाएंगे यूनिट फ्रैक्शन एग्ज़ाम्पल वन बाय टू वन बाय थ्री वन बाय फाइव एंड वन बाय सिक्स आर यूनिट फ्रैक्शन क्यों बिकॉज न्यूमरेटर क्या है सब में वन है यहाँ पे क्या है थ्री बाई टू टोटल और यहाँ पे क्या है नाइन बाय फोर फ्रैक्शन विच आर मोर देन वन अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर यानी कि वन से ज़्यादा है होल आर कॉल्ड इम प्रॉपर फ्रैक्शन इन द इम्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनिनेटर इन प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटर्न एज मिक्स फ्रैक्शन इम प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कैसे जैसे थ्री बाई टू है तो हम इसको क्या कर सकते हैं वन वन बाय टू लाइक थ्री बाई टू है तो हम क्या करेंगे थ्री को डिवाइड करेंगे टू से टू वन सा टू सब ट्रैक किया वन आ गया तो हम क्या करेंगे जो रिमेंडर है इसको ऊपर लिख देंगे और जो डिवाइजर है उसको नीचे तो वन वन बाय टू अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे टू इंटू वन टू वन सा टू और उसमें वन ऐड करेंगे तो थ्री तो ये क्या हो जाएगा थ्री बाय टू तो इसमें क्या है अगर आप इस मिक्स फ्रैक्शन में देखेंगे वन वन बाय टू में तो वन तो जो है वो क्या है होल पार्ट है प्लस एक क्या है हाफ पार्ट नाइन बाय फोर को लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में टू वन बाय फोर सो इसमें टू होल पार्ट है और क्या है वन बाय प्लस वन बाय फोर नाओ मैथ्स फैक्ट द इजिप्शियन रोड ऑल देर फ्रैक्शन यूजिंग यूनिट फ्रैक्शन ये द यूनिट फ्रैक्शन ऑफ वन एज इट्स न्यूमरेटर देन पुट द माउथ पिक्चर विच बीन पार्ट्स अबाउ द नंबर टू मेक इट द यूनिट फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल वन बाय फाइव इज रिटर्न एज शोन यहाँ पे क्या है माउथ से रिप्रेजेंट किया है वन बाय फाइव वन को किस से रिप्रेजेंट किया है माउथ से न्यूमरेटर को और बाकी कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो ये वन बाय फाइव हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग इम प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन अब इम प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कैसे चेंज करना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट क्या होगा होल W मीन्स होल और यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसे कि यहाँ पे डिवाइड किया है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से तो जो होल पार्ट है वो यहाँ लिख दिया है और ये क्या है ये जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा न्यू न्यूमरेटर और ये क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर कैसे आगे देखते हैं चेंज द इम प्रॉपर फ्रैक्शन सेवन बाय फाइव टू मिक्स न्यूमरल हमें क्या करना है सेवन बाय फाइव को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सबसे पहले सेवन को डिवाइड किया फ़ाइव से तो क्या आया फाइव वन साफ फाइव और टू क्या है हमारा रिमाइंडर तो हम क्या करेंगे जो वन है ये क्या हो जाएगा होल पार्ट जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा न्यूमरेटर एंड डिवाइजर जो था हमारा डिनोमिनेटर वो क्या आ जाएगा नीचे तो ये हो जाएगा वन टू बाय फाइव एक और एग्जांपल लेते हैं चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थर्टीन बाय थ्री टू अ मिक्स न्यूमरल हमें क्या करना है थर्टीन को थ्री से डिवाइड किया थ्री फोर जो ट्वेल्व तो वन क्या हो गया हमारा न्यू न्यूमरेटर बन जाएगा जो रिमाइंडर है ये होल पार्ट हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा फोर वन बाय थ्री चेंजिंग मिक्स न्यूमरल टू इम प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें क्या हो जाएगा अब कैसे करेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन अगर गिवन है उसको इम प्रॉपर में चेंज तो क्या करेंगे होल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से उसमें ऐड करेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लाइक अगर वन वन बाय टू है तो क्या होगा होल पार्ट क्या हो जाएगा वन वन को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से यानी टू से वन इंटू टू उसमें ऐड करेंगे न्यूमरेटर वन और जो डिनोमिनेटर उसको नीचे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा टू वन सा टू प्लस वन थ्री ये हो जाएगा थ्री बाय टू अंडरस्टैंड आप एग्जाम्पल लेते हैं चेंज द मिक्स न्यूमरल थ्री वन बाई टू टू एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थ्री वन बाई टू टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमीटर से यानी टू से वन ऐड कर देंगे और यहाँ पे डिनोमीटर लिख देंगे तो सिक्स प्लस वन सेवन हो जाएगा सेवन बाय टू हो जाएगा चेंज द मिक्स न्यूमरल फाइव थ्री बाई फोर टू एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो कैसे करेंगे सबसे पहले फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे फोर से और ऐड करेंगे थ्री फाइव फोर से हो जाएगा ट्वेंटी प्लस थ्री कितना हो जाएगा ट्वेंटी थ्री और अपॉन फोर तो इस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे इम प्रॉपर फ्रैक्शन में नेक्स्ट है होल नंबर एज अ फ्रैक्शन all whole numbers can be written as a fraction with denominator 1 for example 3 को hum kya likh sakte hain 3 by 1 that means 3 फोर को फोर बाई वन सेवन को सेवन बाई वन किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा लाइक टू बाई टू है तो ये क्या हो जाएगा होल हो गया वन हो गया थ्री बाई थ्री फोर बाई फोर ये वन तो इस तरीके से हम होल को फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्या गिवन है एट बाई फोर दैट इज टू यहाँ पे है टोटल नाइन नाइन बाई थ्री लिखा है तो थ्री हो गया वेन अ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट वन होल वेन द न्यूमरेटर इज मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ होल नंबर यहाँ पे क्या क्या है फोर जो है एट को हमने क्या किया फोर से डिवाइड किया तो जो टू है वो क्या हो जाएगा होल नंबर तो इस तरीके से हम उसे होल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करना है हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दैट इज एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस एडिंग फ्रैक्शंस कैसे ऐड करेंगे फ्रैक्शंस को टू एड लाइक फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है एड द The 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 denominator remain the same. Reduce डिनोमिनेटर रिमेन द सेम रिड्यूस द फ्रैक्शन टू इट सिंपलिस है दोनों का डिनोमीटर सेम है तो डिनोमिनेटर को वैसे लिख देंगे सिक्स और न्यूमिनेटर को एड करेंगे तो क्या जाएगा टू प्लस टू फोर यहाँ पे क्या है वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री डिनोमीटर सेम है डिनोमीटर को एज इट इज लिख देंगे और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो टू आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एड वन बाय सिक्स एंड टू बाय सिक्स तो वन बाय सिक्स प्लस टू बाय सिक्स दोनों में हमें सबसे पहले क्या चेक करना है डिनोमिटर सेम होना चाहिए लाइक like फ्रैक्शन होने चाहिए तो डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख दिया न्यूमरेटर को ऐड किया तो क्या आ जाएगा थ्री बाय सिक्स अब थ्री बाय सिक्स क्या है लोएस्ट टॉर्म में नहीं है तो इसको लोएस्ट टॉर्म में चेंज करने के लिए क्या किया ऊपर नीचे थ्री से डिवाइड किया तो क्या आ गया वन बाय टू नेक्स्ट है ऐड टू बाई टेन एंड फोर बाय टेन ऐड करना है डिनोमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर को जैसे है वैसे लिख दिया टेन लिख दिया और न्यूमरेटर को ऐड किया तो क्या आ जाएगा सिक्स बाई टेन अब इसको रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में तो क्या किया दोनों नंबर को ऊपर नीचे टू टू से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा थ्री बाई फाइव तो इस तरीके से हमें ऐड करना है एक और एग्जांपल लेते हैं एड वन वन बाय फोर एंड टू वन बाय फोर तो यहाँ पे क्या क्या वन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो हमें सबसे पहले क्या करना है वन वन बाय फोर प्लस टू वन बाय फोर सबसे पहले जो होल पार्ट है इसमें क्या है वन और इसमें क्या है टू तो हम क्या करेंगे पहले होल पार्ट को ऐड कर देंगे वन प्लस टू उसके बाद जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको ऐड करेंगे वन बाय फोर एंड वन बाय फोर तो टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टू बाय वन प्लस वन टू बाय फोर टू बाय फोर को हम क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे लो टर्म में तो क्या हो जाएगा वन बाय टू तो थ्री प्लस वन बाय टू क्या हो जाएगा थ्री वन बाय टू यहां पर हमें अगेन मिक्स फ्रैक्शन के वन है एड करना है वन वन बाय फाइव एंड वन बाय फाइव तो सबसे पहले क्या देखेंगे होल पार्ट होल पार्ट को लिख दिया ये वन आ गया अब फ्रैक्शन वाला पार्ट वन बाय फाइव प्लस वन बाय फाइव डिनोमीटर सेम है तो डिनोमीटर को हम फाइव लिख देंगे न्यूमरेटर को ऐड करेंगे वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू तो टू बाय फाइव तो ये क्या हो जाएगा वन टू बाय फाइव तो समझ में आ गया किस तरीके से ऐड करना है चलिए आगे बढ़ते हैं लुक एट द फिगर एंड फाइंड द सम यहां पे हमें ऐड करना है थ्री बाय एट प्लस टू एट अगेन डिनोमेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देंगे और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा फाइव नेक्स्ट वन बाय थ्री प्लस टू बाय थ्री सबसे पहले सेम डिनोमिनेटर है ये लिख दिया न्यूमरेटर को ऐड किया तो क्या आ जाएगा थ्री इसके बाद देखिए अब हम इसको रिड्यूस करेंगे टर्म में तो क्या हो जाएगा थ्री थ्री दैट इज वन होल वन बाय फोर प्लस टू बाय फोर अगेन फोर लिख देंगे टू प्लस वन क्या हो जाएगा थ्री बाय फोर नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन अभी हमने फ्रैक्शन को एड किया था अब हम सब करेंगे टू सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन फर्स्ट स्टेप है सब्रैक्ट द न्यूमरेटर नेक्स्ट इज द डिनोमिनेटर रिमेन द सेम रिड्यूस द फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे क्या किया है थ्री बाय फोर में सब करना है वन बाय फोर लाइक फ्रैक्शंस है तो हमने क्या किया पहले फोर लिख देंगे थ्री बाय फोर माइनस वन बाय फोर डिनोमिनेटर सेम है तो हमने क्या किया है फोर अब हम न्यूमरेटर को सब करेंगे थ्री माइनस वन दैट इज़ टू बाय फोर अब हम इसको करेंगे लोएस्ट टर्म में चेंज दैट इज़ वन बाय टू यहाँ पर हमें करना है फोर बाय फाइव माइनस वन बाय फाइव डिनोमिनेटर सेम है फाइव लिख दिया न्यूमरेटर को सब किया फोर माइनस वन थ्री बाय फाइव नेक्स्ट एग्जाम्पल है सब ट्रैक थ्री थ्री बाय फोर फ्रॉम फोर वन बाय फोर मिक्स फ्रैक्शन आपको गिवन है तो सबसे पहले क्या करेंगे फोर वन बाय फोर है माइनस थ्री थ्री बाय फोर या तो हम इसको क्या करेंगे इम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो कैसे करेंगे फोर फोर जर सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन बाय फोर और ये हो जाएगा फोर थ्री जो ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन बाय फोर अब वो सब ट्रैक करेंगे दोनों में डिनोमेटर सेम है तो डिनोमेटर को एज इट इज लिख देंगे सेवनटीन माइनस फिफ्टीन दैट इज टू बाय फोर अब इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाय टू सब्ट्रैक्ट टू बाय थ्री फ्रॉम वन वन बाय थ्री ये क्या है ये तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन सबसे पहले मिक्स को किस में चेंज करेंगे इम प्रॉपर वे तो मिक्स को इम प्रॉपर में चेंज किया तो क्या हो जाएगा थ्री वन थ्री प्लस वन फोर बाय थ्री अब फोर बाय थ्री में से हम सब्ट करेंगे टू बाय थ्री डिनोमीटर सेम है तो हमने लिख दिया थ्री फोर माइनस टू दैट इज टू बाय थ्री तो इस तरीके से हमें फ्रैक्शंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं अब कुछ मैथ्स फैक्ट हैं फ्रैक्शंस आर इक्वल पार्ट ऑफ अ शेप और कलेक्शन To get an equivalent fraction multiply the numerator and denominator by the same number equivalent fraction ke kya karenge numerator and denominator dono ko same number se multiply karenge when the numerator and denominator have no common factor other than 1 the fraction is said to be in the simplest form like fraction have the same denominator unlike fraction have different denominator when the numerator is the same the greater the denominator smaller the fraction फ्रैक्शन विच आर लेस देन वन होल आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर वन आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन फ्रैक्शन विच आर मोर देन वन होल आर कॉल्ड इम प्रॉपर फ्रैक्शन इन एंड इम प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इम प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटर्न एज मिक्स न्यूमर तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं लाइक अनलाइक फ्रैक्शन इक्वेंट फ्रैक्शन सब समझ में आ गया होगा कैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए